हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 की सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ और उसकी अभ्यास है 10B। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में अभ्यास 10B का फुल सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल शब्दों में कराऊंगी। किस तरह से देखो, अभ्यास 10B में हमारे पास पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर DA बराबर 5.2 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। किस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे देखो। तो देखो प्रश्न नंबर 1 को हम किस तरह से हल करेंगे देखो। सबसे पहले हम ये फिगर बनाएंगे जो कि प्रश्न में दे रखा है। क्या दे रखा है देखो, सबसे पहले हमने एक चतुर्भुज बनाया, उसमें प्रश्न में क्या दे रखा है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AB के बराबर 4 सेंटीमीटर रखा। उसके बाद BC के बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद CD और जो DA है वो दोनों 5.2 सेंटीमीटर हैं, यानी CD और DA दोनों क्या है, 5.2 सेंटीमीटर। और AC है 8 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर है। अब हमें इसकी रचना करनी है, तो देखो रचना लिखेंगे। अब रचना में क्या लिखेंगे हम देखो, रचना में हम पहला पॉइंट लिखेंगे सर्वप्रथम रेखाखंड, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर A को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचा, ठीक। उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का दूसरा चाप खींचा जो है पहले चाप को बिंदु सी पर काटता है। उसके बाद देखो चौथा पॉइंट है, AC तथा BC को मिलाया, ठीक, AC तथा BC को मिलाया। पांचवा पॉइंट है, फिर क्रमशः A को और C को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर 5.2 सेंटीमीटर के चाप खींचे, ठीक है, इस तरह से। छठवां पॉइंट लिखेंगे, AD तथा CD को मिलाया, इस तरह से लिखने के बाद अब लिखेंगे, अतः ABCD अभीष्ट चतुर्भुज है, ABCD अभीष्ट चतुर्भुज है, ठीक। आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद करेंगे हम दूसरा प्रश्न। देखो दूसरा प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 6.4 सेंटीमीटर, DA बराबर 2.8 सेंटीमीटर और BD बराबर 6.6 सेंटीमीटर, AC की लंबाई नापकर लिखिए। तो देखो किस तरह से करेंगे हम ये प्रश्न।
तो देखो दूसरे प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे हम। सबसे पहले हम ये चतुर्भुज बनाएंगे। प्रश्न में दे रखा है ए बी बराबर 4.4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6.4 सेंटीमीटर और डी ए बराबर 2.8 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 6.6 सेंटीमीटर। इस तरह से चित्र बनाने के बाद हम रचना लिखेंगे। देखो रचना में पहला पॉइंट लिखेंगे हम, सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर 4.4 सेंटीमीटर खींचा, ठीक। दूसरा पॉइंट, फिर ए को केंद्र मानकर, दो दशमलव आठ सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचा, ठीक है। उसके बाद बी को केंद्र मानकर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, छह दशमलव छह सेंटीमीटर की त्रिज्या का दूसरा चाप खींचा जो पहले चाप को बिंदु डी पर काटता है, ठीक है। इसी में चौथा पॉइंट लिखेंगे हम, ए डी तथा बी डी को मिलाया पांचवा पॉइंट लिखेंगे, फिर बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचा, ठीक है। इस तरह से इसमें छठवां पॉइंट लिखेंगे हम, फिर डी को केंद्र मानकर 6.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का दूसरा चाप खींचा जो पहले चाप को बिंदु सी पर काटता है, सातवां पॉइंट लिखेंगे, बी सी तथा डी सी को मिलाया अतः ए बी सी डी अभीष्ट चतुर्भुज हैं। नापने पर ए सी इक्वल 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आप ये रचना कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है तीसरा प्रश्न।
तीसरा प्रश्न है हमारे पास, एक चतुर्भुज PQRS बनाइए जहां PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, QS बराबर 5 सेंटीमीटर, PS बराबर 4 सेंटीमीटर और SR बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PR को नापिए। किस तरह से हल करेंगे हम ये प्रश्न, देखो। तो देखो तीसरे प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम ये चित्र बनाएंगे जो कि प्रश्न में दे रखा है, इस तरीके से। देखो पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, आर एस 4 सेंटीमीटर और पी एस 4 सेंटीमीटर, एस क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम रचना लिखेंगे। रचना में हम क्या लिखेंगे, देखो रचना डालेंगे और पहला पॉइंट रचना में लिखेंगे, देखो सर्वप्रथम रेखाखंड, सर्वप्रथम रेखाखंड PQ बराबर 3 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, फिर P को केंद्र मानकर, फिर P को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचा, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, Q को केंद्र मानकर पांच सेंटीमीटर की त्रिज्या का दूसरा चाप खींचा जो पहले चाप को बिंदु S पर काटता है, ठीक है। इस तरह से तीन पॉइंट लिखने के बाद उसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे हम, PS तथा QS को मिलाया, पांचवे पॉइंट में लिखेंगे, फिर Q को केंद्र मानकर पांच सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचा, ठीक है। उसके बाद छठवां पॉइंट लिखेंगे, S को केंद्र मानकर चार सेंटीमीटर की त्रिज्या का दूसरा चाप खींचा जो पहले चाप को बिंदु R पर काटता है, उसके बाद सातवां पॉइंट लिखेंगे हम, QR तथा SR को मिलाया, ठीक। अतः PQRS अभीष्ट चतुर्भुज है, नापने पर PR = 6.3
सेंटीमीटर है। ठीक, इस तरीके से आप तीसरा प्रश्न भी कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारे पास, एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो, दूसरे विकर्ण को नापकर लिखिए। तो किस तरह से करेंगे हम ये प्रश्न, देखो। तो देखो किस तरह से हल करेंगे हम चौथा प्रश्न। सबसे पहले हम ये फिगर बनाएंगे जो कि प्रश्न में दे रखा है। देखो, एक चतुर्भुज बनाया एबीसीडी, एबी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं समान हैं, तो इस तरह से 4.5 सेंटीमीटर दिख लेंगे सब जगह। और एक भुजा एसी, एसी क्या है, एसी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से करने के बाद अब हम रचना करेंगे। तो देखो रचना में क्या लिखेंगे हम, रचना में हम पहला पॉइंट लिखेंगे सर्वप्रथम रेखाखंड एबी बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट है फिर ए को केंद्र मानकर, छह सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचा। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, इसी प्रकार बी को केंद्र मानकर, चार दशमलव पांच सेंटीमीटर का दूसरा चाप खींचा जो पहले चाप को बिंदु सी पर काटता है। ठीक, उसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे एसी तथा बीसी को मिलाया। पांचवा पॉइंट है फिर ए तथा सी को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के चाप खींचे जो एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। छठवां पॉइंट होगा एडी तथा डीसी को मिलाया, अतः एबीसीडी अभीष्ट चतुर्भुज है। नापने पर बीडी बराबर 6.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। इसके बाद है हमारे पास पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जहां एबी बराबर 3.6
सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4.2 सेंटीमीटर और एसी बराबर 6.5 सेंटीमीटर और शेष भुजाओं को नापकर उनकी माप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। ठीक है, इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे देखो। तो देखो पांचवें प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी, ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.2 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3.6 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम रचना में क्या लिखेंगे देखो। रचना में लिखेंगे हम देखो, पहला पॉइंट, सर्वप्रथम रेखाखंड बीसी बराबर, सर्वप्रथम रेखाखंड बीसी बराबर 3.6 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर ए से 6.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या को एक चाप खींचा। तथा बी से 4.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का दूसरा चाप खींचा, जो कि एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखेंगे हम, एसी तथा बीसी को मिलाया। चौथा पॉइंट है, फिर सी से 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचो तथा ए से 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा चाप खींचा, जो कि एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, ए डी तथा सी डी को मिलाया। ठीक है, अतः ए बी सी डी अभीष्ट समांतर चतुर्भुज हैं। नापने पर BD बराबर 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से आपका पांचवा प्रश्न भी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।